Thank you, Mr. Yes, some of you may know my wife is originally from India, and over the 25 years that we... वेलकम दोस्तों, अभी अभी जो वीडियो आपने देखा वो असल कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल का है। जी हाँ, यूके के कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी पर रेजोल्यूशन पास किया। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर रेजोल्यूशन पास किया है। अब एक नाम यूके के कैम्ब्रिज का भी हो गया है सिटी काउंसिल का, जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर रेजोल्यूशन पास किया है। अपनी मीटिंग के दौरान ये बात रखने की कोशिश करी कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने कि कैसे ये कानून इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, बल्कि आसाम में जब ये कानून लागू हुआ था तो इस कानून से हिंदुओं को भी तकलीफ पहुंची थी। जहां तक के खबर आ रही है उससे यही साबित होता है कि यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने इंडियन पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एनआरसी और सीएए जैसे कानून को हटा दिया जाए। अब आगे देखते हैं कि इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होता है। दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, दिल्ली इलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ी संख्या से बीजेपी से जीत चुकी है। जी हाँ, बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जहां आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। कोलकाता की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को उनकी जीत के लिए मुबारकबाद दी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश राज ने बीजेपी सरकार को कहा कि कैसे बीजेपी सरकार को दिल्ली से झाड़ू लग गई। तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो आ रही है हैदराबाद से। जी हां, GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC पर रेजोल्यूशन पास किया है। इस खबर के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ट्वीट करा है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मालूम होता है बीजेपी सरकार को हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, अपने कानून को ना बदलने की वजह से और उन कानूनों पे टिकने की वजह से और कुछ बड़ा बोल बोलने की वजह से आज ये हाल हो चुका है कि दिल्ली में भी चुनाव हार चुके हैं और हर सिटी और स्टेट की तरफ से भी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर रेजोल्यूशन भी पास हो रहा है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।